नमस्कार। यूपी के बदायूं से बड़ी खबर, लॉकडाउन का उल्लंघन, जरूरतमंदों पर पड़ा भारी। बदायूं में जरूरतमंदों पर बरसाई जा रही लाठियां, किसी का हाथ टूटा तो किसी का फूटा सिर। जी हां, यूपी के बदायूं में योगी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस अब मनमानी पर उतर आई है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस अब जरूरतमंद गरीबों को भी नहीं बख्श रही। पिछले एक सप्ताह के दौरान पुलिस ने किसान व उसके मासूम बच्चों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई थी। हालांकि दोषी पुलिस को कप्तान ने तुरंत ही निलंबित कर दिया था। उसके दो दिन बाद ही राशन कोटेदारों को बेवजह पीटा गया और उनकी ई पास मशीनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया, जिसका राशन कोटेदारों ने जबरदस्त विरोध जताते हुए पूर्ति विभाग पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। लेकिन प्रशासन ने उन्हें जांचोपरांत कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले को किसी तरह शांत कर दिया था। खाकी का रौद्र रूप यही खत्म नहीं हुआ। कस्बा उझानी के मोहल्ला नजियाई में भी पुलिस ने खाकी का रौब दिखाते हुए युवक पर बल प्रयोग करते हुए जमकर पीटा, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर होना बताया जा रहा है। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वह रसोई गैस सिलेंडर भरवाने के लिए घर से निकला था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जिस युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीट रही थी, परिजन व अन्य नागरिकों ने पुलिस से तमाम मिन्नतें की, लेकिन पुलिस ने किसी की एक न सुनी। आखिरकार पुलिस की पिटाई से युवक का हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसके पैरों में भी गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए बेरहम पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जिला प्रशासन से की है। आपको बता दें कि पुलिस के अमानवीय चेहरे के खिलाफ लोगों में रोष व्याप्त है। नागरिकों का कहना है कि शासन व प्रशासन ने जहां जरूरतमंदों के लिए छूट दी है, वहीं पुलिस उन पर भी लाठियां बरसाने लगी है। देखें बदायूं से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ खान के साथ इंडिया पावर न्यूज की एक रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ नहीं। क्या था मामला? लल्ला हमारा गैस इन्वर्टर जैसे कहा था, लेने को कहो उसको मार लल्ला कहा देते हैं। गाड़ी आ गई पटना से। किसकी गाड़ी आ गई थी? पुलिस की गाड़ी। फिर क्या हुआ? बुधवार को तो मार लल्ला कहा था, भाजो मारो कहा था, लल्ला तो कहा था, पुलिस वाले ने कहा था मारो। बहुत कितने पुलिस वाले थे? बाम का गाड़ी भरी भरी। फिर कहाँ मार लगाई थी इसकी? यहाँ लगाई कहा था।